देखिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर के। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़े से कॉल पर हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे और साथ ही साथ देखिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर थोड़ी देर में न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल आप देखने वाले हैं। थोड़ी देर में दक्षिण भारत का पहला रुझान आपको दिखाएंगे। दक्षिण भारत में क्या होने वाला है, तमिलनाडु केरल कर्नाटक का मेगा एग्जिट पोल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मेगा एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे। जैसे हमने बताया आपको कि बिल्कुल सटीक विश्लेषण और सटीक रुझान जो है वो सामने आएंगे। और आपको बता दें कि अभी सबसे पहले शुरुआत हम दक्षिण से करने वाले हैं और थोड़ी देर में दक्षिण के 5 राज्य तमिलनाडु केरल कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मेगा एग्जिट पोल आपके सामने होगा। ये आंकड़े क्या कहते हैं, क्या होने वाला है, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल कई दिनों से होगा। शुभी वाकई शिप्रा, और ये दक्षिण भारत की अगर हम चर्चा करें तो दक्षिण भारत बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर बीजेपी अपनी साख यहां पर बचाती है तो जाहिर सी बात है जीत का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। इसकी चर्चा बार बार की जा रही है। न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल अब से थोड़ी ही देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे और ये हम यूं कह लें कि हमारी तरफ से इतने अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से एग्जिट पोल किया गया है कि इसे आप एग्जैक्ट भी मान सकते हैं। लेकिन अनुमानित आंकड़े हैं, बार बार हम यही कह रहे हैं, अनुमानित आंकड़े हैं, विश्लेषण किया गया है अलग अलग तरीके से और इसी रिजल्ट को हम आपको पहुंचाएंगे। और देखिए हम इस मेगा एग्जिट पोल के बारे में आपको जानकारी दें, आंकड़े आपको बताएं, उससे पहले एक बड़ा सा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी धड़कनें भी तेज होगी, क्योंकि जो सियासी पार्टियों ने जोर आजमाइश की है उसके बाद जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, वो हम समझेंगे। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अरविंद कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो बात आज आखिरी चरण के चुनाव की हम मैं आपसे करना चाहूंगी। 8 लोकसभा की सीटों पर बिहार में वोटिंग हुई, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न हो गई, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आए, जो तस्वीरें आई, क्या लग रहा है 7वां चरण किसके नाम? देखिए बिहार में जो मतदान अभी चल रहे हैं, अभी कुछ एक घंटे करीब और बाकी हैं, 6 बजे तक है, और अभी तक इतने शांतिपूर्ण मतदान हुए और इसमें खासकर जो महिलाओं की भागीदारी आप देखे होंगे, जितने चरण के चुनाव हुए हैं उससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और एक महिलाओं की भागीदारी ऐसे नहीं 10% 11% 12% पुरुषों से अधिक हुआ है, तो और महिलाओं का एक जो वर्ग है खासकर मोदी जी के प्रति उनकी काफ़ी आस्था है, क्योंकि उनके दर्द को, चाहे वो शौचालय से जुड़ा हो या फिर उज्ज्वला योजना उन्होंने किया, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक सकारात्मक काम हुए हैं बिहार के, जो माइक्रो मैनेजमेंट करके उन्होंने देश के जो गांवों तक जो समस्याएं थी, जिस समस्याओं से 70 साल तक जिनको सॉल्व नहीं किया, एक समस्या बना के रखा गया, तो उन चीजों पर ध्यान दिया, इसलिए बिहार में जो मतदान है वो एनडीए के फेवर में जा रहा है। और इस बार का जो 8 सीट है वो 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अलायंस एनडीए निश्चित तौर पे जीतेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं भी कुछ थोड़ी वोटर, जब प्रजातंत्र है तो कुछ पक्ष विपक्ष दोनों और होते हैं। चलिए अरविंद कुमार, आपसे भी हम और बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मधुरेंद्र पांडे भी जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सीधे उनका भी कर लेते हैं। मधुरेंद्र जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि आज आखिरी चरण का चुनाव हुआ, जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, आप लोग अलग दावे कर रहे हैं, विपक्ष अलग दावे कर रहा है, किसके दावे में कितनी सच्चाई है, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं अभी? आज जो संपन्न लोकसभा चुनाव हो रहा है 8 सीटों पर, आज का रुझान भी एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि बिहार के जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो कार्य किया गया है, उन कार्यों को देखते हुए, उन कार्यों में सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण है, सामाजिक सुधार है, न्याय के साथ विकास है, अन्य सारी चीज़ें हैं जो कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। उन सब कार्यों को देखते हुए बिहार की जनता और जो आधी आबादी है वे सब एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में एकजुटता के साथ जातीय और दलीय आधार से ऊपर उठकर किसी तरह
केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है और उनके पक्ष में मतदान करने का काम किया है। यह जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की लड़ाई है, यह जनता लड़ रही है, जनता चाह रही है कि हम किसी तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में सत्तारूढ़ करें। बताते चलें कि तो आपके दावे हैं, हालांकि विपक्ष के भी अपने दावे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने जो भी बातें कही या एनडीए की तरफ से जो चुनाव प्रचार किया गया उसमें मुद्दों पर बात नहीं हुई, हम मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ विश्वजीत जी जुड़े हुए हैं सीपीआई से। विश्वजीत जी, क्या लगता है आपको, लोगों को इस बार क्या आप लोग जनता तक उस तरीके से पहुंच पाए, जिन मुद्दों को आप उनके सामने रखना चाहते थे वो पहुंचा चुके हैं, जनता का विश्वास मिलने जा रहा है? बिल्कुल, अभी मधुरेंद्र जी ने ठीक ही कहा कि लोकसभा का चुनाव जनता लड़ रही थी और पिछले 5 वर्षों ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से जनता के अधिकारों पर हमले हुए हैं, किसानों पर हमले हुए हैं, मजदूरों पर हमले हुए हैं, महिलाओं पर हमले हुए हैं, महिलाएं बाहर आई हैं, हर जनता बाहर आकर के अधिक से अधिक मत देने का प्रयास किया है। और आप देखें कि वोट प्रतिशत में जो गिरावट लगातार आ रही थी वो सरकार की नाकामियों के कारण, सरकार ने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए, उससे जो जनता में निराशा हुई उस निराशा की वजह से वोट प्रतिशत में कमी आई थी। और अब जनता ये ठान लिया कि बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को हराना बहुत जरूरी है। तो खासकर कि ये जो अभी सातवें चरण का चुनाव हुआ 8 सीटों पर, इसमें तो पूरा का पूरा सीट हमारा इंडिया गठबंधन वो जीत रहा है, ये हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। जी तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी से झारखंड के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, झारखंड के अगर चुनाव की बात करें तो जो 3 सीटें संथाल परगना जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था, विशेष माना जा रहा था, तो क्या लगता है वहां पर किसकी जीत होगी, क्योंकि बहुत सारे दावे आप लोगों की तरफ से बार बार किए जा रहे थे? सबसे पहले मैं बताऊं आपको, आज आपका जो न्यूज़ 18 का सर्वे है उस पर पूरे देश की निगाहें इसलिए भी जमी हुई हैं क्योंकि पिछले बार भी जो 2019 में आप लोगों ने सर्वे किया था तो अधिकांश पोलिंग जो एजेंसीज हैं, पोलस्टर्स हैं, उन्होंने हमारी सीटों की संख्या 270-280, कुछ ने तो 230-240 बताई थी, लेकिन न्यूज़ 18 के सर्वे ने 336 बताया था जो काफ़ी एक्यूरेट था और यूपीए को 82 दिया था। तो आज भी पूरे देश की निगाहें आपके सर्वे पर रहेगी। देखिए, हमारा मानना है कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो संथाल में चुनाव हो रहे हैं इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है कि ये उनका गढ़ है। साहब, कैसा गढ़, जब 2/3 सीटों पर लोकसभा की हम काबिज हों, 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, गोड्डा की बात करें, दुमका की बात करें और राजमहल की बात करें, तो इसमें से राजमहल को छोड़कर बाकी दोनों पर हमारे सीटिंग सांसद हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, शिबू सोरेन जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वही दुमका से पिछले बार 40,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए थे। तो जिनके नाम पर ये पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं वही तो पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे। तो हमें लगता है कि संथाल का इनका तथाकथित जो गढ़ है वो कभी गढ़ था भी नहीं और इस बार राजमहल में हम लोगों ने बहुत मेहनत की। शादीर जी, आपसे और भी बातचीत होगी, लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और भी चर्चाएं होंगी जब एग्जिट पोल के एक एक कर एक एक नतीजे जब सामने आएंगे तो सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शिप्रा, बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये एग्जिट नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है, क्योंकि हमने बहुत सटीक सर्वे किया है, सबसे विश्वसनीय सर्वे अब से कुछ ही देर के बाद आपके सामने होंगे। इस बड़े से वॉल पर आपको एक एक आंकड़ा दिखेगा, वो आंकड़ा दक्षिण भारत से हम शुरुआत कर जाएंगे, दक्षिण भारत की 5 राज्यों के अनेक लोकसभा पर क्या कुछ आज इस बार अनुमान रहने वाले हैं, अनुमान क्या कहते हैं और अनुमानित आंकड़े क्या कुछ होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। वो हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक लोकसभा सीट की भी बात करेंगे, नालंदा की बात करेंगे, तो 38.49% लोगों ने 3 बजे तक मत डाले।